भारतीय वायुसेना के विमान MiG-21 को भारत को खोना पड़ा। जी हाँ, आइए जानते हैं MiG-21 की हिस्ट्री क्या है। इसे मिकोयान गुरेमिच MiG-21 सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था। सुपरसोनिक जेट फाइटर और यह इंटरसेप्टर विमान है। आश्चर्य की बात यह है कि इसका नाम उस समय लोकप्रिय रूप से बालिका रखा गया था, जो विमान के प्लेन फॉर्म व्यू से मिलता जुलता था, जो उसके धड़ के आकार के कारण पोलिश पायलटों द्वारा रूसी तार वाले संगीत वाद्य यंत्र या ओलोवेक यानी पेंसिल से बना था। उत्तर वियतनामी और अब वियतनाम पीपुल्स एयरफोर्स पायलटों और वियतनामी लोगों द्वारा अंग्रेजी में इसे सिल्वर निगल उपनाम भी दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि चार महाद्वीपों के लगभग 60 देशों द्वारा MiG-21 का उपयोग किया गया है और अभी भी कई देशों में अपनी पहली उड़ान के 6 दशक बाद भी यह विमान मौजूद है, जिस तरह से यह भारत में मौजूद था। यानी मिग का इतिहास लगभग 60 वर्ष पुराना है। कुल मिलाकर MiG-21 कंपनी बनाने वाली विमान कंपनी द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है और विमानन इतिहास में सबसे अधिक उत्पादित सुपरसोनिक जेट विमान बन गया है। कोरिया युद्ध के बाद सबसे पहले अधिक उत्पादित लड़ाकू विमान और पहले एक लड़ाकू विमान का सबसे लंबा उत्पादन यानी मैकडोनल्ड डगलस F-15 ईगल और दोनों से ज़्यादा इसका रहा है, यानी मिग का रहा है। कुल मिलाकर MiG-21 फाइटर सोवियत जेट लड़ाकू विमानों का एक सिलसिला था, जिसकी शुरुआत सबसोनिक MiG-15 और MiG-17 और सुपरसोनिक MiG-19 से हुई थी। कई प्रायोगिक दो सोवियत डिजाइन या तो बहते हुए पंखों के साथ नाक के इंटेक्स पर आधारित थे, जैसा कि सुखोई Su-7 या टेल डेल्टॉस, जिसमें MiG-21 इसमें से सबसे ज़्यादा सफल माना गया। कुल मिलाकर MiG-21 के विकास की शुरुआत 1950 के आसपास हुई, जब मिकोयान ओकेबी ने 1954 में Y-1 नामित एक प्रोटोटाइप के लिए प्रारंभिक डिजाइन का अध्ययन किया और इसके बाद इस परियोजना को बहुत तेजी से काम में लाया गया। इसी समय यह निर्धारित किया गया कि इसका नियोजित इंजन कमजोर था और फिर से इसे रीडिजाइन किया गया। इन दोनों और अन्य प्रारंभिक प्रोटोटाइपों में बहने वाले पंख थे। डेल्टा पंखों वाला पहला प्रोटोटाइप, जैसा कि उत्पादन वेरिएंट पर पाया गया था, ये 4 था। इसने 16 जून 1955 को अपनी पहली उड़ान भरी और जुलाई 1956 में मास्को के टुशिनो हवाई क्षेत्र में सोवियत विमानन प्रदर्शनी के दौरान इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया। पश्चिम में उपलब्ध जानकारी के कारण MiG-21 के शुरुआती विवरण को लेकर कई बार बहुत तरह की बातें चलती रही हैं। उदाहरण के लिए जैन के ऑल द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट 1960-61 में फिश बाइट को सुखोई डिजाइन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके पश्चात नागराजन ने MiG-21 FL के फॉर्म 700 किसी विमान का डॉक्यूमेंट लॉक को वायुसेना प्रमुख को सुपुर्द किया और इसके साथ ही प्रतीकात्मक तौर पर वायुसेना के इतिहास की एक लंबी कहानी पर से भी पर्दा उठ गया। ब्राउन ने कहा कि विमान अपनी अभूतपूर्व लड़ाकू क्षमता के कारण लंबी अवधि तक वायुसेना के लड़ाकू दस्ते का आधार स्तंभ बना रहा। एयर चीफ मार्शल ब्राउन ने कहा, 1980 और 90 के दशक में वायुसेना के लड़ाकू विमानों में तकरीबन 60% मिग विमान थे। मौजूदा समय में वायुसेना के करीब 90% पायलट MiG-21 विमानों को भी उड़ाया जा चुका है। मसलन FL-77 जो आज बेड़े से बाहर हो गए हैं, उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब MiG-21 के सभी स्वरूप बेड़े से बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर 1971 के युद्ध में MiG-20 विमानों को लेकर उड़ान भर रहे वायुसेना के पायलटों द्वारा ढाका में गवर्नर्स हाउस पर किया गया सटीक हमला निर्णायक साबित हुआ था और इसके चलते शत्रु खेमे को समर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। कारगिल के संघर्ष में भी इसी विमान को तैनात किया गया था।
कुल मिलाकर मिग का जो इतिहास है वह बड़ा दिलचस्प है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत को अपना यह एक महत्वपूर्ण और सबसे कीमती विमान खोना पड़ा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।